हम मिला इसको, आप मिलाओ कार्ड में मिला। ये हमारा भी ग्रो दिख रहा है। हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस अपना दाढ़ी वाड़ी सेविंग एविंग करवाने का टाइम नहीं लग रहा था, तो देखो हमने खुद ही काट ली मैंने घर पे ही कैंची से थोड़ा थोड़ा, ये ज़्यादा बड़े हो गए थे नीचे के, पूरी तरीके से निकलती नहीं है, यहाँ यहाँ निकल आती है ऐसे, तो मैंने ट्रिम कर दी है कैंची से खुद। ये देखो इधर मैंने अभी ऑपरेशन किया है अपना, देख रही है इधर ऑपरेशन मार दिया, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग रहा हूँ। बाकी हमारी बुलबुलू ने आज पहली बार आलू के पराठे बनाए हैं, तो बता देना कैसे, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी खाने का पता नहीं है। अगर तूने प्यार से बनाए होंगे दिल से तो अच्छे होंगे, गुस्से गुस्से में बनाए होंगे तो खराब ही होंगे। दिल से बनाया मैंने। ये देखो इसका मिक्सचर दो मिनट में मिक्सचर बनाया था इसने। और बाकी नारियल में पता नहीं क्या दिक्कत होगी, दो नारियल खराब हो गए सुबह सुबह से, ये गर्मी की वजह से शायद अपने आप फट जाते हैं, और रात में फट गए, ये पूरा पानी पानी था सुबह किचन में, देखो ये इधर डले। हाँ सो गाइस चलो अभी लेट हो गए, 10 बजे का ऑफिस है, 10:30 यहीं पे बज गए और मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 2 हफ्ते से कोई ऑफ नहीं दिया ऑफिस वालों ने, तो थोड़ा लेट जा सकते हैं हम, इतना तो करेंगे कॉम्प्रोमाइज़, वो भी जब हम कर रहे हैं तो लगातार 14-15 दिन से ऑफिस जा रहे हैं बिना किसी ऑफ के, वीक ऑफ के, हालत हो गई ख़राब। और ये अपना स्कूल वाला बैग हो गया पैक, लंच रख लिया, चार्जर रख लिया, बाकी चाबी ले लेते हैं अपनी स्कूटी की, अपनी पजेरो की, फॉर्चुनर के सपने हैं, फॉर्चुनर के सपने और स्कूटी ले जा रहे हैं। चलो बुल्लू बाय बाय। आज तो भाई कार्यक्रम करके दिया है इन लोगों ने साइट पे, देखो ये देखो भाई हैं अंदर जादूगर वादूगर बैठा रखे हैं, इधर खेल भी हो रहा है, इधर फोड़ूंगा भाई मेरे को बाड़े ले, मिलेगी नंबर के ले पकड़ियो, मिलेगी भाई कौन सा फोड़ेगा इसमें, आ जा भाई आ जा, ये रहा, ये रहा तेरा भाई, इसको ले जा अपने साथ, मैंने अपनी तोप निकाल ली तो तेरे को पता नहीं चलेगा। हाँ इसको ले जा अपने साथ, ये है तेरा भाई। ओ भाई देख ले ऊपर टकराएगा तेरा सर, इसमें डाले कैसे, अरे इससे भाई से पूछ ली हूँ कैसे डाल रहा है, वो बता दिए भाई कैसे डाल रहा है इसमें। हाँ ये पड़ी तो है गोली बड़ी विजय, अरे भाई बड़ी गर्मी यार, बड़ी गर्मी है ना भाई, अब तू ऐसा कर, वो सबसे सबसे ऊपर वाला राइट साइड में है, जो लेफ्ट साइड बीच में पिंक है, जो बीच में पिंक पिंक वाला फोड़ दे, जाओ कित गया ना फोड़ के मुंह में दे दे, बम फेंक दे मुंह से, बस एक और निकलेगा, चल निकल ले भाई इसमें, अबे से भाई कुछ ऐसा निकाल देना इसके में, देख सकते हो इसको कि वैसे इसकी चांदी चांदी कट जाए, ये निकला है। बताओ बताओ डालना, अरे डालूंगा ना पहला प्रश्न कि ये काम पूरा कर रहा हूँ मैं, सब कुछ पूरी मेहनत कर रहा हूँ, फल क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए सर, फर्स्ट लेवल कार्ड के अनुसार आपका योग ये बनता है कि जो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, आप जो लगे हैं जो करना चाहते हैं सर, उसमें 100% मतलब 99% काम होते हैं, 1% प्योर ऊंचा। हाँ बिल्कुल, तो आप कोई भी काम करेंगे सर, सबसे पहली बात तो आपको गोपनीय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गोपनीय, गोपनीय मतलब बोलते हैं कि चोरी चुप्पे शांतिपूर्वक किसी को बिना बताए, योजना बनाने से पहले आप उसी को बताएं और उसी से सलाह करें जिससे आपको बेनिफिट हो, अच्छा सलाह, ठीक है आप प्रश्न। हाँ दूसरा प्रश्न पूछ ले भाई, दूसरा प्रश्न ये है कि शादी कब होगी, है तेरी हट,
चुकी है भाई। क्वेश्चन है, मेरी अभी हो गई है 25, शादी की पूछ रहा है। टैरो कार्ड के अनुसार तो आपका योग बनता है भाई, तना मारी वहां लगी यहां के तेरी कसम। आपकी जो उम्र का जो जो वैवाहिक जीवन का जो योग है, योग तो आपका पूरा बना हुआ है। अच्छा, कुछ समय हो सकता है कि पिछले कुछ समय में आपने अगर उसमें ब्रेक लगा रखा हो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दो चीज़ों में कभी भी किसी के ऊपर काबू नहीं होता, एक संतान करने में और एक विवाह करने में। ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका योग ये बन रहा है कि अगर आपका विवाहिक जीवन नहीं हुआ तो आने वाले 1.5-2 साल में योग बना हुआ है। आप अगर आप पारिवारिक लोगों से सलाह करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। सचिन, ओ भाई सचिन, देख रहा तेरा भाई तेरी भाभी से कितना प्यार कर रहा है। बफर सिस्टम लग रखा है उधर साइड में, जब भी वहाँ नहीं खाया खाना है, टिफिन में ही खाऊंगा। कद्दू खा के, कद्दू खा रहा है, कद्दू खा के आज अमर हो जाऊंगा मैं। अरे प्यार करता हूँ भाई, उसने बेचारी ने सुबह सुबह पसीना बहा बहा के लंच बनाया है मेरे लिए, उधर मैं क्यों खाऊं बाहर की चीजें फिर क्यों। सही बात है, मेरी बीवी के हाथ का खाना मिल रहा है मुझे जब, पर मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है सब्जी फैल गई भाई, गीला हो गया टिफिन। खोलियो भाई, बैठे हैं सारे लोग इधर ही। पसंद है जीरा वाले परांठे हैं ये, जीरा मेथी वाले। जादू देख लो मैं भी अब। और टेलीकॉम आप भी आ जाओ, आ जाओ ना पहले। अच्छा आप इधर में आ जाओ, आ जाओ जो। अच्छा ये मेरे पास एक कटोरी कटोरी गुलाब जामुन रसगुल्ला है सर, हैंड करो उसके अंदर, हाथ करो। अभी देखो क्या मिला आपको, कछुआ मिला। अच्छा कुछ नहीं है, मैं सोचा सर कछुआ है, ये मेरे पास इधर से बिल्कुल खाली। और इस तरह भी कुछ नहीं, अभी मैं मैजिक रखा हुआ अंडा सर के पास, और मेरे पास एक मनी बैग। अच्छा ये वाला हैंड दिखाओ, इसको ऐसे होल्ड करो, वो वाला हैंड दिखाओ इसके ऊपर, और आप इधर, और सर अच्छा ऐसे करके सर इसको ऊपर से होल्ड करना है। हाँ जी सर, अभी मैं मैजिक लगा हुआ आप भी हैंड के ऊपर, चलो हम मैजिक लगा देंगे। बेगी बेगी अंडा उधर गिर गया सर की पॉकेट में आ गया सर, अंडा देखेंगे। अच्छा नहीं मैजिक लगाएंगे, अंडा आ गया। अच्छा निकाल के दिखाइए, ये अंडा सर इधर में आ गया, ये अंडा सर इस तरह। एक बार फिर से क्लैपिंग तो कर दो जल्दी से। अरे डरने वाले क्यों, अरे ये रस्सी वस्सी भी उड़ती है क्या? रस्सी भी होती तो यार ठीक होता है सर। बता दे देख रहा है ये तमाश वाला कौन सा गेम खेलता है, तमाश वाला भाई दिखाना एक बार। तमाश वाला देखो भाई, देखो ये वाला कार्ड वाला दिखाता हूँ या फिर ये वाला देख ले। अच्छा देखो मेरे पास में कार्ड है, और ये सारे कार्ड से अलग SM दिखाएंगे, इधर से सारे काम हम मिला इसको, आप मिलाओ कार्ड में मिला। ये हमारा भी ग्रो दिख रहा है, ये कार्ड खेलने वाला नहीं है, मैजिक वाला कार्ड मिलाने वाला नहीं है। देखो पहले, अरे ये वो है, ऐसे कर देगा वो खिंच जाएंगे देख पूरे। मैं दिखा देता हूँ, वाला हिसाब आ गया ना, बावले गांव में ऊंट वाला हिसाब हो गया। बावले गांव में ऊंट वाला हिसाब बताइए। हाँ ये देखो ये कार्ड है मेरे पास। अच्छा ये सारे कार्ड से अलग अलग है ठीक है, और इधर से भी देखो सारे कार्ड अलग अलग है, ऐसे दिखाएंगे इधर से भी सारे कार्ड अलग अलग है, सब अलग अलग रेड और ब्लैक। अच्छा इधर से मैंने कार्ड लिया इसके ऊपर रखा, फिर से हम मैजिक लगाएंगे एंड बेगी बेगी चेक बार फू करो इसके ऊपर, और ये मेरे पास में सारे कार्ड बिल्कुल सेम हो गए। ऐसे में दिखाऊंगा इधर से भी सारे कार्ड सेम हो गया। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो इधर से सारे कार्ड। अरे गजब भाई, देखो एक बार टच करके देख सकता हूँ है पूरा दिखाओ, ये बेगी दिखा रहे हो, बादशाह दिखा रहे हो। अच्छा ये देखो ये क्या है, मैं कुछ नहीं, मैं तो दिखा देता हूँ, ये दिखाने वाला नहीं है, ये बेचने वाला नहीं है कुछ। अच्छा दोबारा देखो इधर से सारे कार्ड सेम। अच्छा इधर से मैं मैजिक लगाऊंगा एंड बेगी बेगी, और इधर से भी सारे कार्ड अलग, और इधर से भी सारे कार्ड अलग। अच्छा ऐसे दिखाऊंगा, और इधर से भी सारे कार्ड अलग, और ये और किसी गड्डियों से नहीं होता है, सिर्फ मैजिशियन की गड्डी से होता है। तो वही तो दिखा गड्डी तो दिखा दो अपनी, दिखाएंगे तो फिर गड़बड़ ही नहीं जाएगा फिर। नाथ सचिन चलती है
हाँ जी। सो गाइस पूरे दिन की मेहनत के बाद फाइनली हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और घर के लिए क्या, आफत में जान है तुम्हारी कसम। हालत हो गई है खराब, प्रेशर पड़ रहा है भाई जिंदगी में, जॉब में बहुत ज्यादा, कंपनी में बहुत ही ज्यादा। अगर आज एक विजिट ना होती मेरी तो हमारा जो मालिक है तो मैं खाया डार दू कल सवेरे ही। जा खाते तुम्हें करो खाया पूरे दिन। तेरी भी एक विजिट हो गई, तेरी भी हो गई है ना। तेरा तो चेक उठने गया है, मेरा तो चेक की बात छोड़ो, मेरा चेक उठ रहा है बस, तो मजा आ जाए। चलो मौसम तो बढ़िया है, ठंडा ठंडा मौसम है। बाकी जा रहे हैं देखो भाई, ऐसे आउटसाइड में भी चीज आपको गुड़गांव में 2-3 करोड़ रुपए की मिल रही है, ये समझो आप गुड़गांव की महंगाई। सचिन क्या करें, ले लें एक एक। टाइम फॉर वाइन है, देख रहे हो भाई किसी को पैसा कमाना है तो बस दारू का ठेका खोल लो, सबसे ज्यादा कमाई इसी में, भीड़ मिलेगी तुम हमेशा। एक दारू और दूसरा चखना। अबे मत खाया कर, मत खाया कर भाई। ये देखो गाइस रोड पे भी चल रहा भाई का प्रोग्राम है। चलो भाई चलो घर मिलते हैं अब। एक तो पूरे दिन की मार धाड़ भाग दौड़ के बाद भाई ये रस भरी सबसे ज्यादा ये जिंदगी, ये रस भरी जिंदगी ये सबसे ज्यादा मूड खराब करती है यार। पूरा दिन भाग दौड़ करो, पूरा दिन ऐसी तैसी करवाओ, फिर शाम को ये गुड़गांव के ट्रैफिक में फंस जाओ। घर भी टाइम से पहुंच जाए तो कम से कम आराम कर लें थोड़ा बहुत, सुबह फिर भगना है ऑफिस, प्रेशर चल रहा है बहुत ऊपर से, ले लो भाई ट्रैफिक, अब इधर फंस गए एक आध घंटा ये खा जाएगा। हाँ जी, तो सचिन जी क्या हाल है आपके, कैसा रहा आज का आपका दिन और कैसे आ रहे हैं मजे आपको जिंदगी में? भाई जैसा एनर्जी लेवल सुबह था वैसे एनर्जी लेवल अभी भी है, पर फटी पड़ी है। फटी नहीं पड़ी, मेरी कहाँ फटी पड़ी है भाई, ये भाई अपना द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव का देख लो, इसमें लगा है अपने अडानी का पैसा। भाई यहाँ उतरेगा तू, उतर जा, जाम लग रखा ऊपर, इसमें भाई अपने अडानी ने पैसा लगा रखा है, देख लो भाई। ये है अपना ऑफिस सामने डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स, ठीक है। चलो भाई ट्रैफिक लगा भाई, यहीं से निकल जा तू, मुझे छोड़ दे, नहीं निकलेगी गाड़ी। अरे सटा के टकटक लगा रखा पूरा, देख ले। सो गाइस अपनी स्कूटी वुट की स्कूटी अपनी खड़ी करके पार्किंग में, और अपना आ गया आराम से घर पे। अंधेरा अंधेरा कैसे पड़ा है, नया है नहीं क्या? चप्पल भी नहीं है नया की, मतलब नया है नहीं है। जिंदगी रूड फिर भी हम दूध, ये मिलेगा आपको हमारे गेट पे है नहीं, शायद मुझे कॉल करना पड़ेगा। सो गाइस भाई नेहा गई है दीदी के यहाँ पे, और ऑफिस से आने के बाद यार सीधा मिली नहीं है, छत पे आ गया हूँ, छत पे वेट कर रहा हूँ, निकल गई है दीदी के यहाँ से, 5 मिनट लगेंगे बस, यहीं पास में ही रहती हैं दीदी 100 मीटर पे, कोई नहीं वेट कर लेते हैं। हालत ख़राब हो गई है, ये देखो इधर दीदी का घर उधर सामने है, आ रही होगी। हाँ सो गाइस आ गए अपना अंदर घर में, अभी हाथ मुँह धुल के आया हूँ, और नेहा थोड़ी सी गुस्सा थी मेरे से सुबह, क्योंकि बोल रही थी आज शाम को मूवी देखने चलेगी, और मेरा ऑफिस में थोड़ा काम का प्रेशर बहुत चल रहा है, तो मैंने बोल दिया यार, मैंने कहा अभी ऑफ नहीं है, ये है वो है, क्योंकि अभी जो मूवी रिलीज़ हुई है ना अपनी, हाँ ड्रीम गर्ल टू रिलीज़ हुई है, उसको देखने का उसका बड़ा मन था, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी छुट्टी नहीं है, देखते हैं मंडे ट्यूसडे में देखेंगे। तो भाई गुस्सा हो गया, तो अभी एक ट्रिक है मेरे पास देखो मनाने की बीवियों को, ये देखो मैं इसमें लिखते रहूं आई एम सॉरी, बड़ा लिखना पड़ेगा भाई सॉरी बुल्लू, इधर बना देते हैं हार्ट छोटा सा, ये हो गया हार्ट, हो गया आई एम सॉरी बुल्लू, ठीक है। देखते हैं अभी इसको रख देते हैं बेड पे अपना आराम से। चलो गाइस, सो गाइस अभी मैंने आके चेक किया, खाना लेने गया था, और देखो हमको क्या लिखा मिला है उस पर, हर बारी का क्या लिखा है इसने, समार जितना माफ करो उतना हर्ट हुई हूँ, हर बारी का क्या लिखा है ये, जितना माफ करो उतना हर्ट हुई हूँ। गाइस आप लोग पढ़ के बताना यार क्या लिखा है, हर बारी का पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बता दे रहा।
हमारे घर में देखो ऐसे होती है लड़ाइयाँ, और लड़ाइयों के सॉल्यूशन। इस पर अभी मैं और कुछ लिखता हूँ, इसको करते हैं डिलीट। बताओ क्या लिखता हूँ, लिख देता हूँ क्या लिखूँ, हाँ तेरा हार्ट तो मेरे पास है, हे हे हे। अब इसका देखते हैं रिप्लाई क्या आएगा। हाँ जी, सो गाइज अपनी लड़ाई वड़ाई को सेटलमेंट करके फाइनली अपना नेहा गई है पार्लर दीदी के साथ, और मैं अपना अभी मुझे को जाना है भिंडी की सब्जी बनानी है, क्योंकि मेरी फेवरेट है। वो लोग लेट हो जाएंगे तो सोच रहा हूँ मैं सब्जी बना के रख दूँ, कम से कम थोड़ा बहुत काम कर लूँ। तो चलो अभी मैं भिंडी बना लूँगा, वो लोग दोनों पार्लर से आएँगे। तो आप लोग जब तक ब्लॉग इन्जॉय करो, बाय बाय, लव यू।